नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज बिहार विधानसभा परिसर में महागठबंधन के सातों दलों के सदस्यों ने राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के विरोध में जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान तमाम विधायक जो है राहुल गांधी के पक्ष में खड़े नजर आए। प्रदर्शन में शामिल विधायकों ने एक सुर से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ अन्याय हुआ है और राहुल गांधी को कोर्ट ने जस्टिस नहीं दिया है, बल्कि जस्टिस का गला घोटने का काम किया है। इसी के विरोध में हम लोग विधानसभा परिसर में मार्च कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था कि आखिर सभी जो चोर हैं उनका उपनाम मोदी क्यों है। इसी को लेकर सूरत में जो है FIR दर्ज किया गया था और सूरत की कोर्ट ने जो है मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। और इस सज़ा को तमाम विरोधी दल जो है वो कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उसके खिलाफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैसला कोर्ट की ओर से न्याय संगत नहीं हुआ है। लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। सुनिए विधायकों ने विधानसभा में क्या कुछ कहा। आप पिछाइए ना, थोड़ा सा आप पिछाइए ना, सबका आ जाएगा। एकदम संगठित होकर के हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं, मोदीवाद का विरोध कर रहे हैं। चलिए, फासिस्टवाद के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हिटलर शाही नहीं चली है देश में, देश दुनिया में, तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। आरजेडी के भी सहयोगी है, जदयू के लोग आपके साथ नहीं है, कारण क्या है? आज क्या है कि आज हम लोगों ने बहुत ही फास्ट इमीडिएटली यहाँ पे सुबह में बात हुई, चले आए। अभी वेल में भी हम, अभी विधानसभा के अंदर भी हम लोग अपनी आवाज़ रेज करेंगे। इस मामले में सब साथ हैं। कल आपने अशोक जी का भी NIU ने बयान देख लिया, तो वो कोई मसला नहीं। चट्टानी एकता के साथ हम सातों पार्टी हैं और यह जो फेनोमेना है, यह जो हमले हैं, यह जो डेमोक्रेसी के ऊपर हमले हैं, ये सबके लिए खतरनाक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो हमेशा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर उनके किसी कार्य से अगर नकारात्मक टिप्पणी करती है तो वह इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रामक रूप अख्तियार करते हैं। लेकिन न्यायपालिका ऐसी संस्था जिस पर कि कोई उंगली नहीं उठा सकता, और न्यायपालिका पर आज ये लोग उंगली उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि राजीव गांधी ने राहुल गांधी ने जिस प्रकार का बयान दिया, जो कहीं ना कहीं इस तरह के जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, और माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय पर अगर न्यायालय कहीं ना कहीं संज्ञान लेती है तो इन्हें बुरा लगता है। ये अपने ढंग से एक तरह से कहा जाए तो फासिस्ट जो प्रवृत्ति है, जो पहले यह शब्द काफी चलता था, ये फासिस्ट है। और इस तरह के किसी भी संवैधानिक संस्थाएं जो इनके कृत्य का पर कहीं कहीं नकारात्मक टिप्पणी करती है तो इनको बुरा के समय, और जो बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसी कंसंसा पर ये संविधान बना है, और ये संविधान का ही सारा अंग है। टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये टारगेट नहीं किया है, ये सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। ये जल बिन मछली की जो हालत होती है वही हालत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्ता के बिना है, और इसलिए ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आम आदमी के बीच से निकला हुआ कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो स्वाभाविक है कि जहाँ परिवारवाद है, जहाँ परिवारवाद के आलोक में ही लोग प्रधानमंत्री बनते रहे हैं, जब आम गरीब का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो बुरा लगेगा ही।